गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने मैथमेटिक्स की क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने न्यू थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो आज मैं उसी का रिवीजन कराऊंगी आपको। अगर कल कोई डाउट था तो आज उसे क्लियर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि रोमन नंबर्स में ज़ीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। लाइक हम ज़ीरो को किसी भी तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ज़ीरो का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक, इसमें द नंबर्स आर फॉर्म बाय लिटरली एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द इंडिविजुअली सिंबल्स टुगेदर। यानी कि हम इसको जैसे भी बनाते हैं, यानी कि जिस भी तरह हम लिखते हैं या जैसे भी हम रोमन नंबर्स को फॉर्म करते हैं, वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू करते हैं, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके। ठीक, कल मैंने आपको बताया था, आज फिर से सीखिए। आई कैपिटल, एक तो हम इसको कैपिटल लेटर ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी जो है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग लेटर अलग अलग नंबर के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है। लाइक आई है, कैपिटल आई, कैपिटल आई वन के लिए होता है, वन कैपिटल आई को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल वी 5 को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल एल 50 को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल सी 100 को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल डी 500 को रिप्रेजेंट करता है और एम 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं बेटा। अब देखो, कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर्स लिखने के, रूल ऑफ रिपीटेशन, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं। रूल ऑफ रिपीटेशन में क्या है, सबसे पहले तो अगर कोई भी नंबर हमने 1, 2 या 3, पहली बात तो 3 से ज़्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, अगर कोई नंबर 1, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कोई रोमन न्यूमरल कह रही हूँ मैं, कोई अगर अल्फ़ाबेट 2 या 3 टाइम रिपीट किया गया है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। अगर 2 बार है, लाइक एम है, एम को हम क्या बोलते हैं, एग्जांपल के लिए बताया गया है, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को। अब अगर यहाँ पे डबल एम लिखा हुआ है, एम एम, तो इट मींस 1000 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसका नंबर हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2000 को। इसी तरह अगर ट्रिपल टाइम्स एम लिखा है, 3 टाइम्स एम लिखा है, तो इट मींस कि 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 3000। तो ये ट्रिपल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3000 को। ट्रिपल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3000 को। सेकंड रूल इसमें क्या है कि ये जो हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स इसको स्पेसिफाई किए हैं, लाइक ये आई और एक्स, सी और एम, इनको जब हमने जो स्पेसिफाई किया है 100, 10 और 1000 और 1 के लिए, इनको सिर्फ हम 3 बार ही, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। लाइक हम 1 को इस तरह लिख सकते हैं, 1i बनाकर। अब हमने 2i बनाया है, मतलब कि 1 में 1 को ऐड कर दिया, 1 में 1 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2। अब ट्रिपल टाइम 3 बनाया है, इट मींस कि हमने 2 में 1 को ऐड कर दिया, ये क्या हो गया, 3। अब हम 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 टाइम्स 1 नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम हम किसी भी अल्फ़ाबेट को या किसी भी रोमन न्यूमरल को ओनली 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। थर्ड रूल इसमें है कि जो वी, एल और डी, ये जो पहले तो इसमें ये था कि आई, एक्स, सी और एम, इनको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हम एक भी बार रिपीट नहीं कर सकते। कौन कौन से, जो हमने 50 के लिए बनाया, ये 5 वाला रिपीट नहीं होगा, 50 वाला रिपीट नहीं होगा, और ये एक 100 वाला भी रिपीट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रूल ऑफ एडिशन। एडिशन का रूल क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी के साथ कोई उसमें रोमन नंबर जब हम लिखते हैं, अगर कोई लाइक इफ़ अ सिंबल स्मॉलर वैल्यू अगर राइट साइड लिखी है,
हाइयर वैल्यू के, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं x जो है 10 को रिप्रेजेंट करता है और 1i जो है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 से 10 के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, स्मॉल वैल्यू, ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये स्मॉल वैल्यू है। तो 10 के राइट साइड में लिखी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था रूल ऑफ सब्ट्रैक्ट, जैसे हम एडिशन के लिए करते हैं उसी तरह हम रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन करते हैं। कैसे, कि अगर कोई भी स्मॉल वैल्यू लेफ्ट साइड लिखी है हाईएस्ट वैल्यू के, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं किस तरह, किस तरह करेंगे, ये देखो ये x और c लिखा है, c रिप्रेजेंट करता है 100 को, x रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो ये स्मॉल वैल्यू जो है हाईएस्ट वैल्यू के लेफ्ट साइड लिखी हुई है, लाइक 100 जो है 100 की लेफ्ट साइड क्या लिखी है, स्मॉल वैल्यू 10, तो हम इसको 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो एक्स सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 को, ठीक है। सेम इसी तरह से हम 90 ये वाले सिंबल्स जो हैं हम रिपीट, इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे कहीं से भी, वी एल एंड डी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, इसको हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो हम इसको 100 माइनस 5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम V को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम 90 प्लस 5 लिखेंगे, 90 प्लस 5 लिखेंगे। कैसे, पहले तो हम लिखते हैं 100 और हमने C से ही रिप्रेजेंट होता है ना 100, यस, पहले लिखा हमने 100, अब इसमें से हमने 10 को कर दिया माइनस, तो ये क्या हो गया 90, अब इसमें हमने कर दिया 5 को प्लस, समझ आया, तो ये क्या हो गया 95, क्लियर है। इसी तरह ये देखिए आई एक्स एंड सी आर यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट, ये 3 रोमन न्यूमरल्स हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है या V सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, हम सिर्फ इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये 5 से पहले 1 यूज़ करा तो 5 माइनस 1 4, 10 से पहले 1 यूज़ किया तो 10 माइनस 1 9, इसी तरह से ये सारे हैं, क्लियर है। आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और ख़ुद से करके देखिएगा, फिर समझ आ जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह एग्जांपल दिखा रही हूँ, लाइक हमें पूछा गया है कि इसको ये किसका रोमन न्यूमरल है, तो हम सबसे पहले ना इसको अलग अलग कर लेंगे, लाइक वंस टेंस हंड्रेड और 10,000 या 1,000, पहले हम इसको अलग करेंगे। 1 को अलग किया, ट्रिपल एक्स को अलग किया, सी एम को अलग किया और एम को अलग किया, तो एम को रिप्रेजेंट कर रहा है 1,000 को, सी एम रिप्रेजेंट कर रहा है 1,000 माइनस 100 यानी 900 को, ट्रिपल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो आप देख रहे हैं कि हमने इन सब को ऐड कर दिया, हम जब भी ऐड करेंगे तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ चलेंगे, इस लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ चलेंगे, तो हमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 1931 को ये रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक और देखिए, ये लिखा हुआ है तो हम इसको किस तरह से अलग करेंगे, इसका सपोज़ करो हमें ये नंबर दिया है और हमें इसको रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपैंड फॉर्म में करेंगे, 3000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 7। अब 3000 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 800 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 500 100 100 100 मींस 800, 10 को x और 7 को हम इस तरह, तो इन सब को जब मिला कर लिख देंगे तो ये रोमन न्यूमरल हो जाएगा किसका, इस नंबर का, करेक्ट है।
एक और एग्जांपल देखिए, थाउजेंड प्लस लाइक ये लिखा हुआ है MLC MCLV। तो हम पहले इसको अलग अलग करते हैं, M किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को, C करेगा 100 को, L करेगा 50 को, V करेगा 5 को। तो जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये नंबर है 1155, जो कि इस रोमन न्यूमरल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या हम कहें कि ये रोमन न्यूमरल जो है ये इस नंबर के लिए है, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कल वाली क्लास भी और आज वाली क्लास भी मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, तो मुझे एक्सरसाइज सब लोग कंप्लीट करके आज ही सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।